हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, ये मेरा मटका है जिसमें मैं कंपोस्ट बनाती थी, ये टूट गया है, तो मैं इसका कुछ DIY करना चाहती हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, आप इस तरीके का ये निशान देख सकते हो, मैंने इसमें कंपोस्ट बनाया हुआ था। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको ऐसे और ऐसे करके इसको सेट कर देंगे, तो ये सुंदर दिखने लगेगा इस तरीके से देख के, ठीक है। और हम इसके बाद क्या करेंगे फिर, ये देखिए इस तरीके का इमल्शन पेंट आता है फ्रेंड्स। ये हमें करीबन 180 रुपीज़ का पड़ जाता है, आप इसे हार्डवेयर की शॉप से ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये पेंट ले लेंगे और इसमें मिक्स करके इसको पूरे को पेंट कर देंगे ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे। इसके नीचे देखिए मैंने पेपर बिछा दिया ताकि ये नीचे गंदा ना हो। हमारा ये पेंट तैयार है इस तरीके से, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। टूटने के बाद जो है ये यहाँ से कुछ रफ सा हो गया था, तो इसे किसी चीज़ से आप थोड़ा सा घिस लीजिए ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो देखिए, हमने इस तरीके से दोनों को पेंट कर लिया है, ये देखिए दोनों को पेंट कर लिया। अब हम इसको जो है सूखने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जो है ये तैयार कर लिया कलर करके। अब मैंने इसमें जो है एक ये ड्रेनिंग होल भी बनाया हुआ है, इसके ऊपर हम इस तरीके से रख देंगे। और ये थोड़ा सा ईंट का चूरा है और जो मटके वगैरह टूट जाते हैं उसी का चूरा है, उसको हम भी इसमें बिछा देंगे इस तरीके से। इसके बाद हमने इसकी मिट्टी तैयार की है, ये इसमें सैंड, कंपोस्ट और थोड़ा सा कोकोपीट, यही सब चीज़ें हैं इसमें। इस तरीके से हम इसको इसमें बिछा देंगे। देखिए, हमने इस तरीके से इसमें मिट्टी भर दी है। और ये देखिए, ये प्लांट है एक छोटा सा जड़े, हम क्या करेंगे इसको यहाँ सेट कर देंगे इस तरीके से। हमारे ये कुछ स्टोन्स हैं, ये देखिए इस तरीके से स्टोन्स हैं, मैं क्या करूँगी इनको पीछे की तरफ इसको सेट कर दूँगी। देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है, ये पॉट लगा के इसके चारों तरफ स्टोन्स लगा दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद मैंने छोटे से ये दो प्लांट लगा दिए हैं, फिर हमने कुछ इस तरीके से स्टोन लगा दिए हैं। ये दो जड़े प्लांट लगाए थे ना मैंने, इसकी बराबर में ही देखिए ये दोनों मैंने जो है स्पाइडर प्लांट लगा दिए हैं छोटे छोटे से। देखिए, मैंने स्पाइडर प्लांट लगाने के बाद मैंने ये छोटी सी देखिए यहाँ पर छोटा सा प्लांट अपना क्लांचर का लगाया, एक इस तरफ लगा दिया है और एक इस तरफ लगा दिया है। फिर हमने छोटी छोटी सी ये देखी कटिंग्स लगाई हैं सभी, ये कितनी सुंदर लग रही है इससे। और इसमें कुछ वाइट स्टोन्स डाल दिए हैं, ये देखिए। इसके बाद हमारा जो है ये मिनिएचर गार्डन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एक टूटे हुए पॉट को हम एक कितना सुंदर सा लुक देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स। अब मेरा जो है ये मिनी गार्डन है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप इस तरीके से आप टूटी हुई चीज़ को भी अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वाइट कलर के मार्बल भी आप इस तरीके से अपने लगा सकते हैं। और ये होता है ना फ्रेंड्स, ये जो हमारा वो होता है क्या कहते हैं इसको, बदरपुर, उसी की जो मैंने छान के छोटी छोटी सी ये जो है बजरी को निकाल लिया था और उन्हें धो के इकट्ठा कर लिया था। फिर देखिए, आज मैंने उसका इस तरीके से अपने गार्डन में इस्तेमाल किया। तो देखिए दोस्तों, हमारा फाइनल लुक इस तरीके से आया है। ये देखिए, मैंने हुए अपने टूटे हुए मटके को कितना सुंदर बना लिया है। तो आप इसी तरीके से छोटे छोटे आइडियाज़ लेकर अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पीछे मैंने कुछ स्टोन्स लगाए हुए हैं और कुछ छोटी छोटी से पत्थर हैं जो आप उनको अपने प्यारी गार्डन में यूज़ कर सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।